अच्छा ये बताइए रिवर्स का क्या मतलब होता है? रिवर्स का मतलब होता है एक एक स्टेप उल्टा कर देना, रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा कर देना। तो रिवर्स नाम का एक फंक्शन होता है पाइथन में। तो रिवर्स जब कराना होगा तो आप रिवर्स कैसे करा सकते हैं, उसी बात के लिए डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले पाइथन के आईडीई को ओपन कर लेते हैं। तो यहां से पाइथन के आईडीई मैंने ओपन की, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को ओपन किया, और यहां से जाएंगे और न्यू फाइल ले लेते हैं। अब यहां पर हमें समझना है कि रिवर्स का यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं नाम लिखूंगा, ठीक है, या किसी नाम का कैरेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक लिस्ट बना लेते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट की पहचान होती है। डबल डॉट कॉमा में मैं अपना ही नाम लिख लेता हूं, एस लिख लिया, ठीक है। डबल डॉट कॉमा में एस लिखा, डबल डॉट कॉमा क्लोज किया, कॉमा दिया। फिर यहां पे यू लिखते हैं, तो ये यू लिखा कॉमा, ठीक है। फिर आर लिखते हैं, फिर इस तरीके से आर लिखा। फिर ए लिखते हैं, फिर इस तरीके से ए लिखा। फिर इसी तरीके से जे लिखते हैं, तो यहां पे जे लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख दिया और यहां पे लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो ये लिस्ट तो हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ चीजों को, जैसे अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक वेरिएबल और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया नेम हो गया, तो यहां पे कर लेते हैं गेम, जी एम, चलिए गेम कर लेते हैं। गेम इज इक्वल टू, अब यहां लगाएंगे रिवर्स, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आर ई B-E-R-S-E-D, reversed कर दिया इस तरीके से। और यहां पर ब्रैकेट को ओपन करिए और नाम दिया था हमने नेम, तो N-A-M-E, यहां पे नेम कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको करना, यहां पे लूप लगाना, फॉर लूप लगाइएगा। फॉर क्या करेंगे, A, A in, अब यहां पे नाम क्या दिया हमने, गेम दिया, तो गेम लिख देंगे, G-A-M-E, गेम लिख दिया। और गेम लिखने के बाद यहां पर कोलन लगाइएगा, जैसे कोलन लगाएंगे और एंटर करेंगे तो यहां आप प्रिंट करवाना, किसको प्रिंट करवाना हमें, तो हम प्रिंट करवाएंगे किसको, ए को, ठीक है ना। तो ए को प्रिंट करवाएंगे, देखते हैं ए में क्या आता है, समझ आ रही बात। यहां पे F5 किया, एंटर किया, ये एंटर करने के बाद यहां पे सेव करते हैं, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, डॉट पीवाई लगाना जरूरी, चलिए किसी भी नाम से सेव कर देते हैं इसको। ये हो गया, ये हो गया ना। तो जैसे ही मैंने इसको इसको चलाया तो आप देख सकते हैं सूरज का जर्सू प्रिंट हो रहा है, देखिए जे ए आर US, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही बात। तो यहां पर देखिए जरूर प्रिंट हो रहा है, देख रहे हैं उल्टा करके। अगर मैं यही चेंज कर देता हूं, देखिएगा यहां पर मैं चेंज करता हूं, थोड़ा सा मैं नाम चेंज कर देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ और लिख दे तो उसका भी उल्टा प्रिंट करेगा ये, ठीक है ना। जैसे लिख दिया विनोद, वी, ठीक है, कॉमा दिया, अब डबल डॉट कॉमा में आई, फिर कॉमा दिया, फिर डबल डॉट कॉमा में एन, फिर डबल डॉट कॉमा क्लोज, फिर ओ, फिर इस तरीके से, समझ आ रही है बात। वो हो गया, फिर कॉमा दिया, फिर विनो हो गया, अब डी, ठीक है, विनोद के बाद विनोद लिखेंगे तो वो डी होगा, तो डबल डॉट कॉमा ओपन करके फिर डी लिख देते हैं। ये हो गया डी, ठीक है। अब जो है इसको चलाते, देखते क्या होता है इसमें, ठीक है। तो यहां पे आएगा डोन वी, डोंट, देखिए क्या आता है, यहां पे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखिए उल्टा इसका, ठीक उल्टा, पहले क्या आया था, वी आया था, फिर आई, फिर एन, फिर ओ, फिर डी, लेकिन अब देखिए डी ओ एन आई बी प्रिंट, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। रिवर्स फंक्शन ऐसे ही काम करता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।